आज हम लोग बात करने वाले हैं 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। देखिए ये रहा हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर और आज हम लोग 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में डीप स्टडी करेंगे, देखेंगे क्या क्या होता है। और इसमें 4 पॉइंट स्टार्टर इसे क्यों बोला जाता है क्योंकि इसमें 4 पॉइंट्स होते हैं। क्या क्या होता है? एल ए एफ एन, चार, ये हमारे 4 पॉइंट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब इसमें देखिए 2 कॉइल्स लगी होती हैं। एक कॉइल्स है ओ एल सी, ओवरलोड कॉइल बोला जाता है। एक कॉइल है एम बी सी, इसे नो वोल्ट कॉइल बोला जाता है, ठीक है। और इसमें हमारा लगा हुआ है, ये हमारा है ये प्लंजर, ये हमारा लगा है, इसको बोला जाता है प्लंजर। और ये हमारा है हैंडल, इसके थ्रू हम लोग सेट करते हैं, इसके थ्रू हम लोग मैनुअली इसको सेट करते हैं। और यहाँ पे एक हैंडल लगी होती है जो माइका की बनी होती है, हम लोग इसको हैंडल से सेट करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद इसको ऐसे मैनुअली ऐसे 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 इसको जितना रेजिस्टेंस पे सेट करना होता है करते हैं। फिर अब बात करते हैं हम ओ एल सी कॉइल के बारे में। ये क्या ओ एल सी कॉइल जो हमारी होती है, ये मोटे टर्न्स की, मोटे वायर की और कम टर्न्स की बनाई जाती है। और ये हमारा जो ओ एल सी है, ये इसका एक टर्मिनल हमारा एल से कनेक्ट होता है और दूसरा टर्मिनल हमारा इसे हैंडल से कनेक्ट होता है। अब ये हैंडल हमारा किस मटेरियल का बना होता है? हैंडल हमारा सॉफ्ट आयरन का बना होता है। इसी के थ्रू हमारा करंट पास होकर के रेजिस्टेंस बन जाता है। अब रेजिस्टेंस की कॉन्टैक्ट के बारे में बात करते हैं। ये रेजिस्टेंस का जो कॉन्टैक्ट है हमारा ये हमारा हॉट कॉपर का बना होता है। अब हम बात करते हैं एनवीसी कॉइल। एनवीसी कॉइल में क्या होता है कि ये पतले वायर और अधिक टर्न्स की बनाई जाती है। और ये इसके जो दो टर्मिनल्स होते हैं, इसका एक इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक तो प्लंजर से भी जुड़े होते हैं और तो और इधर के देखिए यहाँ पे एक इसका एक टर्मिनल आएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस के थ्रू जुड़ा जाएगा। ये हमारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाए गए हैं फील्ड वाइंडिंग के करंट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ये हमारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इसका एनवीसी कॉइल का एक टर्मिनल आया रेजिस्टेंस के पास और इसके अंदर से एक टर्मिनल निकल के जा रहा है यहाँ पे प्लंजर के पास। इसलिए इसका वर्क क्या होता है, अब हम इसके वर्किंग को समझते हैं। जैसे ही हमारा क्या होता है, ओवरलोड होता है जब, तो ओवरलोड जब होगा तो ये हमारा जो ओ एल सी कॉइल है ये मैग्नेटाइज होगा तो इस प्लंजर को, ये प्लंजर जो है इसको यहाँ से अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही ये अट्रैक्ट करेगा यहाँ से, फिर हमारा जब ये अट्रैक्ट करेगा तो इसका कनेक्शन एनवीसी कॉइल से होता है, तो ये एनवीसी कॉइल को डीमैग्नेटाइज कर देता है। जब हमारी एनवीसी कॉइल डीमैग्नेटाइज हो जाती है तो ये कॉन्टैक्टर हम जहाँ पे भी सेट किए रहते हैं ये कॉन्टैक्टर छोड़ देता है ऐसे, फिर कॉन्टैक्टर चला जाता है यहाँ पे हमारा, तो ये ऑफ स्टेट में चला जाता है कॉन्टैक्टर, तो हमारा स्टार्टर ऑफ हो जाता है और मोटर हमारी प्रोटेक्ट हो जाती है। यही है हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर का वर्किंग। अब हम आगे बात करेंगे। देखिए इसका इंटरनली डायग्राम ऐसा होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो ये हमारी स्प्रिंग है, ठीक है, ये देखिए जो यहाँ पे स्प्रिंग थी जो सर्किट में आपने देखा था, वो देखिए ऐसे लगा रखा है, अंदर भी आप देख सकते हैं,